अब ये देखें, ये सवाल जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट दी थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस पर शेयर फॉलोइंग द राइट इशू। ये तो हमने किया था लास्ट क्लास में, जी शेयर प्राइस कैसे निकालते हैं एक्सराइट। ठीक है, अच्छा सवाल क्या है। द कंपनी इज अ स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी दैट इज कंसर्न्ड बाय इट्स करंट लेवल ऑफ डेट फाइनेंसिंग। इट प्लान्स टू मेक अ राइट इशू एंड टू यूज द फंड रेज टू पे ऑफ सम ऑफ इट्स डेट। तो यहाँ कंपनी क्या करना चाह रही है, यहाँ कंपनी की डेट ज्यादा है तो कंपनी अपनी डेट को कम करने के लिए क्या करना चाह रही है, कंपनी राइट इशू अनाउंस करने जा रही है। इक्विटी रेज होगी तो डेट कम हो जाएगा और गेयरिंग कम हो जाएगी। राइट इशू जो कंपनी अनाउंस करने जा रही है तो राइट इशू की टर्म्स क्या है, 20% डिस्काउंट टू द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 7.5 और प्लान्स कितना है, 90 मिलियन का फंड रेज करने का प्लान है। द कंपनी बिलीव दैट पेइंग ऑफ सम ऑफ इट्स डेट विल नॉट अफेक्ट इट्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो व्हिच रिमेंस द सेम। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे निकालते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ईपीएस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इस सवाल में पहले हम जो है वो निकाल लेते हैं कि इसका ईपीएस कितना होगा। तो प्रॉफिट कितना है इसका, प्रॉफिट है 27। प्रॉफिट है 27, तो हमने प्रॉफिट को ऊपर रखा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 60। 27 ओवर 60, 0.45 का ईपीएस आ गया। ठीक है, शेयर प्राइस दी हुई है 7.5 डिवाइडेड बाय 0.45, तो प्राइस टू अर्निंग रेशो आती है टाइम्स के अंदर 0.45, तो ये आ गए 16.67 टाइम्स। अब वो कह रहे हैं कि राइट इशू हो या डेट हो, ये पी रेशो सेम रहेगा, 16.67 टाइम्स ही रहेगा। अच्छा जी, लोन कितना है इस वक्त कंपनी के पास, 125 का। 125 द 8% बॉन्ड्स, जो कंपनी का 8% बॉन्ड है ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 112.5 पर एंड द बॉन्ड होल्डर्स हैव एग्रीड दैट दे विल अलाउ द कंपनी टू बाय बैक द बॉन्ड। टैक्स रेट इज 30% पर एनम। मार्केट वैल्यू से अब पहले तो एक्स राइट प्राइस निकालनी है, राइट जी। तो एक्स राइट प्राइस निकालने के लिए हमारे पास कम राइट प्राइस दी हुई है 7.5, डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, तो राइट इशू प्राइस क्या होगी, 7.5 का 80%, 6 सही। रिक्वायरमेंट पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेट दी एक्स राइट प्राइस पर शेयर। तो उसके लिए हमारे पास कम राइट प्राइस दी हुई है 7.5, डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, राइट इशू प्राइस है 6 और फंड्स दिए हुए 90 मिलियन के। तो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, वैल्यू ऑफ शेयर्स प्री राइट प्लस राइट इशू प्रोसीड। राइट इशू से कितना पैसा आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट। तो हमारे पास करंटली कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 60 मिलियन के हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं और करंट प्राइस चल रही है 7.5 और राइट इशू से हमें प्रोसीड कितनी आएगी, 90 मिलियन की। ठीक है, अच्छा ये प्रोसीड हम बॉन्ड्स को बायबैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। सो नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे राइट इशू के बाद आएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें कैसे पता लगेगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे 90 मिलियन रेस करने के लिए। तो 90 मिलियन रेस करने के लिए हमारे पास जो प्राइस है वो है 6
तो इसका मतलब है हमारे पास 15 मिलियन के शेयर्स इशू होंगे, तो 60 हमारे पास शेयर्स ऑलरेडी थे, 15 मिलियन और ऐड हो जाएंगे तो ये 75 बन गए। अब इसको सॉल्व कर लें, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 7.5 450 प्लस 90 540, 540 डिवाइडेड बाय 75 7.2। तो हमारी जो कम राइट प्राइस थी वो थी 7.5 और हमारी जो एक्स राइट प्राइस है वो गिर कर ड्रॉप होकर 7.2 पर आ गई। ये तो बड़ा इजी सा पार्ट है, पहला वाला हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दूसरा पार्ट ट्रिकी, दूसरा और तीसरा। कैलकुलेट एंड डिस्कस वेदर यूजिंग द कैश रेज बाय द राइट इशू टू बाय अ बॉन्ड इज लाइकली टू बी फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ बारको, कमेंटिंग इन योर आंसर ऑन द बिलीव दैट द प्राइस टू अर्निंग रेशियो विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो हमने अभी ऊपर क्या निकाला था, अभी अभी ऊपर हमने प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल लिया था, एग्जिस्टिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ रहा है 16.7 टाइम्स, ये हमने इस फॉर्मूले से निकाला। तो अगर ये बाय बैक कर भी लेता है तो वो ये कह रहे हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि प्रैक्टिकली जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो चेंज होती है, जब गियरिंग चेंज होती है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी चेंज होनी चाहिए, और वैसे हम एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल रिस्क कम होगा तो शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने का मतलब ये होता है कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सवाल में क्योंकि एज्यूम किया हुआ है तो हम इनकी अजम्पशन के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं। अब वो ये पूछ रहे हैं कि जी बायबैक बॉन्ड अगर करते हैं तो शेयर होल्डर्स के लिए एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। तो शेयर होल्डर्स के लिए एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है शेयर प्राइस। तो हम एक काम कर लेते हैं कि हम शेयर प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं आफ्टर बायबैक ऑफ बॉन्ड। शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, शेयर प्राइस का फॉर्मूला होता है ईपीएस मल्टीप्लाई बाय प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो दी हुई है। ईपीएस अगर हम फाइंड आउट कर लें आफ्टर द बायबैक ऑफ बॉन्ड तो हमारे पास शेयर प्राइस आ जाएगी। अब हम ईपीएस फाइंड आउट करते हैं आफ्टर बायबैक ऑफ बॉन्ड। तो हमारे पास राइट इश्यू से हमने कितना फंड जनरेट किया, राइट इश्यू से हमने फंड जनरेट किया 90 मिलियन का। सही है, बॉन्ड ट्रेड हो रहा है इस वक्त, बॉन्ड की प्राइस चल रही है 112.5, तो कितने बॉन्ड्स रिडीम होंगे 90 मिलियन में, बायबैक होंगे। So 90 मिलियन डिवाइडेड बाय 112.5, इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट एट। 80 मिलियन के बॉन्ड जो है वो हम बायबैक कर लेंगे, और बॉन्ड दिए हुए 125 मिलियन के, तो आउट ऑफ 125 मिलियन हमारे 80 मिलियन के बॉन्ड बायबैक हो जाएंगे। अब बॉन्ड जब बायबैक होंगे तो इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, इंटरेस्ट रिड्यूस होगा, इंटरेस्ट सेव होगा। कितना इंटरेस्ट सेव होगा, 80 मिलियन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टैक्स दिया हुआ है, टैक्स रेट है आपके पास 30%। सो कितना इंटरेस्ट सेव होगा, 6.4, इसे आफ्टर टैक्स करें तो 6.41 माइनस टी टी कितना है सर, 0.3 30 4.48 से हमारा जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट जो होगा ना इंटरेस्ट की सेविंग की वजह से हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट 4.48 से बढ़ जाएगा। हमारा क्या चीज, हमने
जब 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 इंटरेस्ट हटता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो जब इंटरेस्ट हटता है तो टैक्स का इफेक्ट भी हटता है, तो इसलिए इंटरेस्ट की सेविंग पूरी नहीं होगी 6.4, टैक्स की वजह से उसकी इंटरेस्ट की सेविंग कम हो जाएगी 4.48। जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो टैक्स सेविंग ज्यादा होती है, जब इंटरेस्ट कम होता है तो टैक्स सेविंग भी कम होती है। तो अब ये 4.48 हमारा इंटरेस्ट सेव हो रहा है, हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है 27 मिलियन का। इस 27 मिलियन में कितना इंक्रीमेंटल इफेक्ट आएगा, 4.48, तो ये हो गया 31.48। सही है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आफ्टर राइट इशू, सो ईपीएस कितनी हो जाएगी, 31.48 डिवाइडेड बाय 75.419। सही है। और शेयर प्राइस क्या हो जाएगी, 0.419 मल्टीप्लाई बाय 16.67 टाइम्स, ये पी रेशो है। सो 0.419 मल्टीप्लाई बाय 16.67, 6.98, यानी कि 7। अब हमारी जो पोजीशन थी बॉन्ड से पहले कम राइट प्राइस कितनी थी, 7.5। एक्स राइट कितनी हो गई थी, और आफ्टर बायबैक कितनी हो जाएगी, इसका मतलब है वेल्थ में कितना इफेक्ट आया, शेयर होल्डर्स की वेल्थ डिक्रीज बाय 0.20 पर शेयर। इसका मतलब है ये जो डिसीजन ले रही है कंपनी के राइट इशू करके बॉन्ड्स को बायबैक किया जा रहा है, ये शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं। सही है, ये क्लियर है, समझ में आया जी सर। Bye, Lou.